हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल एजी क्लासेस। मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स 2 जुलाई 2020 के लिए। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट वाला रिजल्ट और कट ऑफ वाली वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियो जा सकते हैं, देख सकते हैं। एजी क्लासेस में मौजूद है वो, एजी क्लासेस के चैनल पर आप देख सकते हैं। और ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर टीयर 1 एग्जामिनेशन और टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए, आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें नॉर्मल हो रही है। मीन्स इट विल टेक टाइम टू रिकवर ऑल द थिंग्स, ऑल द इकोनॉमी विच अफेक्टेड बाई दिस पेंडेमिक सिचुएशन, बट द थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, दुकानें खुलने लगी है एंड ईच एंड एवरी थिंग, लोग ऑफिस पे जाने लगे हैं। पहले जैसी आप सोचते हो वैसा नहीं है। स्टिल अभी दिल्ली में मेट्रो नहीं खुले हैं और बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया है कि दे आर गिविंग वर्क फ्रॉम होम टू द एम्प्लॉय। जैसे मैंने आपके पहले वीडियो में भी बताया था कि ट्विटर ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि दे डोंट वॉन्ट गैदरिंग। ये जो कोविड है, ये जो कोरोना है, ये क्या है, गैदरिंग की वजह से तो फैल रहा है ना। एंड 2 मीटर का डिस्टेंस रखे, प्रिकॉशंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब और भी वैकेंसी जानी चालू हो गई है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा हमारा पहला वीडियो रिजल्ट से रिलेटेड है तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया हुआ है कि रिजल्ट क्या आया है, कितने कट ऑफ गई है जनरल वालों के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आई बी पी एस जो बैंकिंग सेक्टर में है और बैंक एग्जाम्स करवाती है, IBPS RRB एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर करंट अफेयर्स पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स बता दूँ IBPS ये क्या करता है। ये बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है जो बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो मैं आपको डिटेल डिस्कशन बताऊँगा। IBPS RRB PO प्रोबेशन ऑफिसर स्केल 1 के लिए और क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट, इस दो पोस्ट के लिए, मतलब दो के लिए वैकेंसी निकली है, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट क्लर्कियल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है IBPS ने। तो आइए लेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, और आज से अभी से लग जाओ तैयारी पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि और ये जो डेटा है फ्रेंड्स, ये COVID-19 के ऊपर डिपेंड है। एग्ज़ाम आगे शेड्यूल चेंज भी हो सकता है, एक टेनेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बैंकों ने COVID-19 की वजह से अपनी वैकेंसी IBPS RRB को बताई नहीं है। तो जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं और किस उनके जोन से उनको लगता है कि वैकेंसी कम है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये चेंज होगा, वैकेंसी चेंज होगी, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो ये पूरी कैलेंडर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक। ध्यान रखो 21 दिन का टाइम है आपके पास, 1 जुलाई से 21 जुलाई, 1 जुलाई ऑलरेडी जा चुका है, अब आपके पास 20 दिन का टाइम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, एडिट करने का, एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने का। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी या इंटीमेशन चार्ज, आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा, उसकी भी डेट सेम है 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, देखो PET के लिए आपका जो कॉल लेटर होगा, जिसे अपन एडमिट कार्ड बोलते हैं, ये आप डाउनलोड करोगे 12 अगस्त 2020। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन कब होगा, 24 अगस्त 2020 से 29 अगस्त। देखो इफ़ इट इज़ पॉसिबल बाय द गाइडलाइंस इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MHA जो गाइडलाइन जारी करेगी, अगर पॉसिबल होगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना तब। ठीक है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर डाउनलोड करना अगस्त 2020। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा आपके पास, सितंबर या अक्टूबर 2020 में।
रिजल्ट कब निकलेगा इसका? अक्टूबर में, ठीक है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम, उसके बाद प्री के बाद जो एग्ज़ाम होगा मेन, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा? अक्टूबर नवंबर में। डिक्लेरेशन कब होगा रिजल्ट का? ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए अक्टूबर नवंबर 2020। और इंटरव्यू कब होंगे ऑफिसर स्केल के लिए? अक्टूबर या नवंबर 2020 में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू स्केल 1, 2, 3 के लिए ये भी कब होंगे? अक्टूबर नवंबर में। प्रोविजनल अलॉटमेंट, फिर उसके बाद अलॉटमेंट कहाँ कब होगा? जनवरी 2021 में। क्लियर है फ्रेंड्स? एग्जाम का पैटर्न बता दूँ आपको, देखो प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होंगे, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपर्पज के लिए, उसमें आपके पास आएगा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40-40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के। मैक्सिमम आप कितने होंगे? 40-40, ठीक है। ड्यूरेशन कितने होगा? 45 मिनट। 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। फिर बात करते हैं ऑफिसर स्केल वन की, उसके लिए रीजनिंग आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 40 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। इसका भी टाइम कितना है? 45 मिनट। इसके बाद दोनों कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट, जो दोनों पोस्ट के लिए, हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट, आपको दोनों टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के लिए, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन रिक्रूटमेंट और ईच एंड एवरीथिंग, सभी पैरामीटर्स को जज करके आपको कट ऑफ बताया जाएगा, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की, मेन जो एग्जामिनेशन होगा उसमें देखो रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। मीडियम क्या होगा एग्जाम का? देखो जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो इंग्लिश में होगा, हिंदी लैंग्वेज हिंदी में होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 40-40 क्वेश्चन करके 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के। आपके पास टाइम कितना रहेगा? 2 घंटे। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। फिर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल वन की, मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपके पास आएगा रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांट एप्टीट्यूड, ठीक है, ये भी आएंगे 200 के। इसका भी टाइम कितना दे रखा है आपको? 2 घंटे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। देखो एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज पेबल, ये कब से होगा आपका? 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020। ऑनलाइन पेमेंट होगी, ठीक है। ऑफिसर स्केल वन के देखो 175 रुपये तो लगेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD कैंडिडेट के लिए, और 850 रुपये लगेंगे आपके जनरल के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है 850 लगेंगे OBC के भी और अनरिजर्व कैटेगरी पे। आप ऑफिस असिस्टेंट बढ़ते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए 175 रुपये है SC ST PWD एग्जाम्स के लिए, एंड 850 रुपीज़ ये है आपका जनरल OBC के लिए। मतलब कि कोई बंदा अगर दोनों पोस्ट के लिए भरना चाहता है तो उसको 1700 रुपीज़ खर्च करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 1700 रुपये आपको देने होंगे। नेक्स्ट देखो ये जो है वैकेंसीज है ना, जो हर स्टेट वाइज निकली है, आंध्र प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तो आप इन पे मत जाना, ये एक ओवरव्यू है। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी चेंजेस आएंगी इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ सबसे पहले, देखो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन रूम में क्या क्या ले जाना अलाउड रहेगा। देखो एक तो मास्क पहनना कंपलसरी हो गया, आप चाहे कहीं भी जा रहे हो, ग्लोव्स, दस्ताने, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा दिखना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। एक हैंड सैनिटाइजर आपको लेके जाना पड़ेगा खुद का, एक सिंपल पेन और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर ले जाओ, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड और जो भी होता है। फिर उसके बाद आपको कॉल लेटर या एडमिट कार्ड शुड बी ब्रॉट विद द फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आईडी, फोटोकॉपी ले जाना पड़ेगा फोटो आईडी का, स्टेपल्ड विद इट ओरिजिनल आईडी, सेम एज फोटोकॉपी इज ऑल्सो टू बी
brought for the verification. The name of the ID on the call letter admin card should be exactly same. जो नाम रहेगा आपका वो सेम रहना चाहिए. ठीक है. कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विद एनीवन. आप अपना सामान खुद ध्यान रखेंगे. सेफ और सोशल डिस्टेंस एक दूसरे के साथ. कैंडिडेट शुड मेंटेन इन द रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड. वहाँ पे आपको वेन्यू पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा. इफ कैंडिडेट इज अवेलिंग द स्क्राइब देन स्क्राइब ऑल्सो शुड बी ब्रिंग विद देयर ऑन ग्लोब N95 मास्क सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल. वेयरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी. ठीक है फ्रेंड्स. उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज मोबाइल फ़ोन. ये देखो आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में रहना चाहिए. द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट रिस्क फैक्टर. फिर आपको रिस्क फैक्टर RF आपको बताएगा. अ कैंडिडेट विल हैव टू डिस्प्ले दिस स्टेटस टू द सिक्योरिटी गार्ड. सिक्योरिटी गार्ड का आपको स्टेटस बताना पड़ेगा क्योंकि वो जो आरोग्य सेतु ऐप है वो आपका RF बता देता है रिस्क फैक्टर. ठीक है फ्रेंड्स. इन केस कैंडिडेट डज नॉट हैव ए स्मार्टफोन ही विल हैव टू ब्रिंग अ साइन डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट एंड शो द सेम सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री. अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिखाना होगा. एक एनेक्सर 4 में दिया हुआ है. ठीक है फ्रेंड्स. बात करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की. आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि देर इज ओनली वन रिलीजन इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में एक ही रिलीजन है. उस रिलीजन का नाम है हार्डवर्क. हार्डवर्क मतलब मेहनत. जितना आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा. एक ही रिलीजन है दैट इज हार्डवर्क. इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे मनाया जाता है 30 जून को. 30 जून इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे. नेक्स्ट नेशनल सीए डे. ये उससे बोलते हैं चार्टर अकाउंटेंट. ICAI करवाता है ये एग्जाम. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. हैप्पी नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे. ऐसा माना जाता है कि इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट CA है ना. जो ऑडिट वगैरह होता है ये CA. एंड दिल्ली का जो लक्ष्मी नगर है इट इज़ नोन एज द हब ऑफ CA. जैसे UPSC IAS के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली का है ना. तो 1 जुलाई को नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे मनाया जाता है. उसके बाद एज ए क्लासेस सैल्यूटेड ऑल द डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन. सो नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को. 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे. भगवान के बाद अगर किसी को दूसरा रूप माना जाता है भगवान का दैट इज नोन एज द डॉक्टर. डॉक्टर को अपन कंसिडर करते हैं क्योंकि देखो फ्रेंड्स अगर एक कितना भी बड़ा आदमी हो कितने बड़े से बड़ा आदमी हो वो डॉक्टर के सामने जरूर हाथ डॉक्टर को एक बार जरूर बोलता है. दो लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है अगर ऐसा माना जाए. एक तो सोल्जर की दूसरा डॉक्टर की. एक सैनिक है वो हमेशा रिस्पेक्ट पाता है बिकॉज ही इज़ प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री. वो अपनी जान पे खेल के हमें शांति से सोने देते हैं. और दूसरे जो थे डॉक्टर अगर एक कोई भी है कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना उसकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहेगी तो वो डॉक्टर को हाथ जोड़ के बोलेगा डॉक्टर साहब प्लीज अब आप ही सहा रहो. तो डॉक्टर इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड गॉड. तो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स. देखो ऑन द नेशनल डॉक्टर्स डे राष्ट्रीय डॉक्टर डे के दिन जेनेलिया और रितेश देशमुख ने प्लेज किया है कि वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे. अंगदान. दे विल प्लेज टू डोनेट देयर ऑर्गन्स. दे ऑल्सो अर्ग्ड अदर्स टू ज्वाइन इन दिस इनिशिएटिव. उन्होंने दूसरों को भी बोला है कि आप आगे आओ और इस इनिशिएटिव में हिस्सा लो. सेव लाइफ्स बाय टेकिंग प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स. उन्होंने बोला कि आप भी इस मुहिम में साथ आओ और ऑर्गन्स को डोनेट करो. अब ऑर्गन्स डोनेट में बात करते हैं. देखो इससे पहले कई स्टार्स हैं जिन्होंने अनाउंस किया हुआ कि दे विल डोनेट देयर ऑर्गन. गौतम गंभीर जो है वो क्रिकेटर है जिन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि आफ्टर दैट ही विल डोनेट हिज इंटायर ऑर्गन्स. ऋतिक रोशन ने भी अनाउंस किया हुआ है कि ही विल डोनेट देयर ऑर्गन्स. और मनोज तिवारी जो
बीजेपी से है और एक्स दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, मतलब दिल्ली के पहले अध्यक्ष वही थे, अभी जो है वो आदेश कुमार गुप्ता जो है वो अध्यक्ष है। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। पहले पोस्टल वर्कर कौन होते हैं, जो डाक आपके घर तक पहुंचाते हैं। अब तो क्या है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप हो गया है, वीडियो कॉलिंग हो गई है, ईच एंड एवरीथिंग, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से आपके पास डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस से डाक आता था, अभी भी आता है, अब तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी होगी, कोरियर कंपनीज होगी एंड ऑल, तो वो काम कर देते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लाइट हो गया कोरियर में, कार्गो है, DHL है, बहुत सारे जो दे वर्किंग एज अ एक्सप्रेस है, वो कोरियर की तरह काम करते हैं, जो कोरियर पहुंचाते हैं आपका, है ना, डिलीवरी हो गया एंड ऑल। पहले नहीं था ऐसा, पहले इंडियन पोस्ट ही था जो सारा का सारा काम होता था, भारतीय डाक जिसे बोलते थे। उससे पहले एक और चलता था जो बोलते हैं टेलीग्राम आता था, ये टेलीग्राम आया हुआ है, छोटा सा लिख के आता था टेलीग्राम। धीरे धीरे अब क्या, टेलीग्राम को म्यूजियम में डाल दिया कि अब टेलीग्राम उतना पॉपुलर नहीं है, उसको बंद कर दिया था। और अभी भी जो है वो भारतीय डाक जो है, इंडियन पोस्ट जो है वो बहुत पॉपुलर है, कई ऐसी जगह है जहाँ पर अभी पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है। अब इंडियन पोस्ट ने अपना ATM भी निकाल दिया है, आप इंडियन पोस्ट में अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इनकी डेथ हो गई है, गीता नागाभूषण, ये एक नॉवलिस्ट थी जिनकी डेथ हुई है, गीता नागाभूषण की, नाउ सी इज नो मोर। कार्ल रीनर जो है एक कॉमेडियन थे, इनकी भी डेथ हो गई, कार्ल रीनर। अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, किसको क्या अपॉइंट किया गया, कहाँ के लिए। CFO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक का CFO मतलब क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो CFO कौन बने हैं, लक्ष्मी विलास बैंक के हरिहरन के को बनाया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, लक्ष्मी विलास बैंक। DG ऑफ IIMC के DG किसको बनाया गया है, संजय द्विवेदी जो है वो DG डायरेक्टर जनरल बने हैं IIMC के। प्रेसिडेंट ऑफ मालवी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, मालावी के प्रेसिडेंट बने हैं लेजरस चकवेरा, ये जो है ये मालावी के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल ऑफ मालावी का कैपिटल क्या है, लिलोंगवे जो है ये मालावी का कैपिटल है। करेंसी क्या है, कवाचा जो है इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, गुडनी जोहेंसन ही इज़ अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं गुडनी जोहेंसन। बाकी करंट अफेयर की बात करते हैं, अदर मोस्ट करंट अफेयर्स, यूनियन स्टील मिनिस्टर, भारत के जो यूनियन स्टील मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला कंटिन्यूस रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत का पहला, ये कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। पंजाब की कौन है CM, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। तो क्या किया है, यूनियन स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया है एशिया फर्स्ट कंटिन्यूस रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। किरण रिजिजू है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। इन्होंने लॉन्च किया है नाडा ऐप, ये किसके लिए, टू हेल्प एथलीट टू स्टे अपडेट ऑन बैंड सब्सटेंसेस।
वह चीज़ें जो बैन की गई है उसके रिगार्डिंग अपडेट रहने के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नाडा ऐप। ठीक है, अब मैंने आपको नाडा का भी था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एक नाडा होता है और एक वाडा। किरण रिजिजू जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, युवा मामले और खेल। ठीक है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, जो है वो नवीन अग्रवाल है। इनका मोटो क्या है, प्ले फेयर मतलब अच्छा खेलो, प्ले फेयर मतलब क्या होता है कि बेईमानी नहीं होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से खेलो। आपने देखा होगा जो IPL होती है तो उसमें एक बार बार कॉलम आता रहता है फेयर प्ले अवार्ड, मतलब आपने कितना अच्छा खेला, कितने अच्छे तरीके से खेल भावना आपने वो हाइजीन बना के रखी, डेकोरम बना के रखा। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम है ई किसान धन। HDFC ने लॉन्च किया है ई किसान धन फॉर फार्मर। ये ई किसान धन क्या होगा, जो गरीब परिवार है उसके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, जो तो HDFC बैंक की मदद से जो फार्मर है वो इस ऐप का यूज़ करके, किसान धन ऐप यूज़ करके HDFC बैंक से बेनिफिट पा सकते हैं। CEO कौन है, आदित्य पुरी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। टैगलाइन क्या है इसकी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इट इज़ द टैगलाइन। देखो रिटायरमेंट किसने लिया है, मारियो गोमेज़ ने रिटायरमेंट ले लिया है, कहाँ से, जर्मनी फुटबॉल से मारियो गोमेज़ ने रिटायरमेंट ले लिया है। देखो एक इनिशिएटिव आया है, एड इनिशिएटिव एट वन क्लिक, ये किसने लॉन्च किया है, गुजरात ने लॉन्च किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने। कैपिटल क्या है गुजरात की, गांधीनगर। फॉर्मेशन क्या कब हुआ, 1 मई 1960। लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद, डिस्ट्रिक्ट 33। CM कौन है, विजय रूपाणी। अभी जो अपने सेंटर में बैठे हुए हैं दो, होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों गुजराती ही है, मिस्टर अमित शाह जी एंड रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। राज्यसभा कितनी सीटें हैं, 11। लोकसभा कितनी सीटें हैं, 26। एरिया में कौन सी रैंक है, 5th। पॉपुलेशन रैंक क्या है, 9th। स्टेट मम्मल कौन है, एशियाटिक लॉयन। स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड। स्टेट फ्रूट मैंगो। स्टेट ट्री क्या है, बनियान। बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गागा बर्ड सेंचुरी, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, कच्छ सेंचुरी, पोरबंदर, थोल लेक नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, वनसडा नेशनल पार्क। गुजरात इंटेक्स आपने नाम सुना होगा, इंटेक्स जो है वो मोबाइल की कंपनी है, टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में, तो इंटेक्स मोबाइल की कंपनी भी है, इंटेक्स के मोबाइल भी आते हैं, LED वगैरह भी आते हैं। तो इंटेक्स के कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है केशव बंसल, जब IPL में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को बैन किया गया था तो दो नई टीम आई थी, एक आई थी RPSG राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, है ना, एक आई थी गुजरात लॉयन। तो ये जो गुजरात लॉयन के टीम खरीदी थी वो यंगेस्ट बंदा दैट इज केशव बंसल, है ना, तो ये भी गुजरात से रिलेटेड है क्योंकि उन्होंने जो टीम बनाई थी गुजरात के नाम बनाई थी गुजरात लॉयन।
ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स की जो गुजरात होते हैं, गुजरातीज होते हैं, उनका दिमाग जो है वो बिजनेस में बहुत चलता है। ऐसे ही जो है एक गुजराती की छोटी सी स्टोरी है मेरे पास कि पहले वो क्या करते थे, घर घर जा कर करते थे, काम के बाद आते थे तो एक जगह दूसरे जगह सप्लाई करते थे, एक दुकान दूसरे दुकान सप्लाई करते थे। धीरे धीरे उनको आइडिया लग गया कि चीज़ें कैसे बनते हैं, क्योंकि वेयर हाउस से उठाना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक, होलसेलर तक, शॉपकीपर तक पहुंचाना, सब उनके हाथ में था तो उनको पता था। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी खुद की फैक्ट्री, साइकिल से सप्लाई करते पहले खुद की फैक्ट्री शुरू की और बेचना चालू किया। निर्मा का नाम आप सबने सुना होगा, निर्मा जो है उनकी बेटी का नाम था, करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल जो है फाउंडर है इसके, निर्मा के। करसन भाई पटेल इज द फाउंडर ऑफ निर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुजराती का ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा माइंड चलता है। आप चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के देख लो, ये भी गुजराती है ना, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप या धीरूभाई अंबानी ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक कैंपेन, हमारा घर हमारा विद्यालय, एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ। आपने देखा होगा फ्रेंड कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इससे दो चीज़ें तो साफ हो गया ही है कि स्कूल जो है अभी खुलने के कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गैदरिंग होती है स्कूल में होती है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, दोज दे आर द फ्यूचर। तो इस सिचुएशन क्या हुआ कि कई स्कूल्स, क्या आई एम सॉरी फॉर दोज स्कूल्स, या अगर किसी को बुरा लगे, कई प्राइवेट स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स से फीस मांग रहे हैं। तो कई पेरेंटों ने कई स्कूल्स में एप्लीकेशन भी है, जब स्कूल नहीं तो फीस नहीं, जब क्लास नहीं तो फीस नहीं, कैंपेन भी लॉन्च चला है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही एक कैंपेन लॉन्च किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि हमारा घर हमारा विद्यालय, मतलब हमारा जो घर है वो हमारे लिए एक स्कूल के समान ही है। क्यों? क्योंकि लगभग बच्चे आप देखोगे कि And I salute the efforts of all the teachers who are doing literally a very hard effort, कि वो बच्चों को नोट्स बना के भेज रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे सब कुछ करना, मीटिंग अटेंड करवाना, बच्चों की क्लासेस अटेंड करवाना, क्योंकि बेसिकली दे आर नॉट यूज्ड ऑफ इट। कई टीचर्स ने इसका यूज़ भी नहीं किया था, जूम ऐप पे वीडियो कॉल करके बच्चों को पढ़ाना, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि नीड इज़ अ नेसेसरी ऑफ इन्वेंशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन नहीं होने के कारण उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे पढ़ाया जाता है ऑनलाइन, कैसे चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है ऐप, कैसे बच्चों को जोड़ा जाता है एंड ऑल। तो इस लॉकडाउन में सब ने कुछ ना कुछ नया ही सीखा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस लॉकडाउन ने आपको वो सब चीज़ें सिखा दी जो आप सीखने के लिए बहाना ढूंढते थे। आप सोचते थे यार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको वो मिल रहा है, ठीक है। इस लॉकडाउन में कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, नई चीज़ें सीख ली, जो छोड़ रखा था आलस की वजह से कि नहीं यार छोड़ो क्या करना है, नहीं छोड़ो नहीं करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब उनके पास टाइम मिला तो उन्होंने करना चालू किया। सो होपफुली सब कुछ सही चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है ये आप मुझे बताओगे? गवर्नर लालजी टंडन, जो अभी लखनऊ में इनका इलाज चल रहा है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं फ्रेंड्स। लार्जेस्ट सिटी इंदौर, जो सफाई में हमेशा नंबर वन आता है। 52 डिस्ट्रिक्ट है, एरिया में सेकंड रैंक है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन में 5th रैंक है। स्टेट ममल जो है वो बारहसिंघा है। स्टेट बर्ड जो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्टेट फ्लावर पैरोट ट्री, स्टेट ट्री बनियान ट्री, स्टेट फ्रूट मैंगो। वाइल्ड लाइफ पार्क की बात करते हैं तो बंधवगढ़, कान्हा, माधव, इंद्रावती, बंधवगढ़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, बोरी, गंगव, इंद्रावती नेशनल पार्क, नेशनल चंबल घड़ियाल, संजय डुबारी, नोरादेही, बरनासप्रा, सीतानड़ी, अचान कमर, ठीक है फ्रेंड्स।
इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, ये यूज किया जाता है कोरोना को ट्रीटमेंट करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से। ये कहाँ लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, डेप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। कैपिटल कब फॉर्म हुआ था? 1911 में। कितने जिले हैं? 11। एरिया रैंक क्या है? 31st। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट प्लेटिना, एक प्रोजेक्ट है प्लेटिना, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे जी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्लेटिना। एक फ्रेंड्स, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी आज के, एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक बंदे का नाम है पैबलो एस्कोबार। ऐसा माना जाता है कि इस बंदे के पास सबसे ज़्यादा कैश होते हैं थे, ठीक है। एक बार इसने, इसकी बेटी को ठंड लग रही थी तो $2 मिलियन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली मैंने पढ़ा है। आप चाहो तो मैं कोई स्क्रीनशॉट इसका मैं पेस्ट कर दूँगा एक पीपीटी में। पैब्लो एस्कोबार, इसकी बेटी को एक बार ठंड लग रही थी तो इसने $2 मिलियन जला दिए थे ताकि इसकी बेटी को गर्मी लगे। ऐसा माना जाता है कि इसके पास इतना कैश है कि कभी कभी इसको गड्ढे खोद के कैश रखने पड़ते थे, नहीं तो चूहे और दीमक वगैरह, चूहे वगैरह इसके अरबों रुपए खा जाते थे क्योंकि इसके पास कैश रखने की जगह नहीं होती थी। पैब्लो एस्कोबार, इसके अरबों रुपए चूहे खा जाते, इसलिए ज़मीन में गड्ढे खोद के पैसे रखता था और $2 मिलियन इसने जला दिए थे क्योंकि इसकी बेटी को ठंड लग रही थी। मतलब रबर बैंड, सबसे ज़्यादा रबर बैंड यही यूज़ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सजेशन।